हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजना देवी अपने दोनों बेटों कुणाल और रमन की शादी करके अब बिल्कुल फ्री थी, लेकिन फिर भी एक सुकून की कमी थी अंजना देवी की जिंदगी में, क्योंकि उनकी बड़ी बहू कनिका को कम सुनाई देता था, जिसके चलते छोटी बहू दिव्या अपनी जेठानी की शिकायतें कर करके अपनी सास को भी बहरा करने में लगी रहती थी। एक शाम दिव्या रसोई में चाय बनाकर अपनी जेठानी कनिका को देते हुए बोलती है, जेठानी जी ये चाय माँ जी को दे आओ, ठंडी हो जाएगी तो उनको मजा नहीं आएगा। ये देवरानी जी माँ जी को हाय क्यों देने को बोल रही है, क्या करूं? मुझे क्या है, दे आती हूँ, आगे माँ जी जाने। कनिका बाहर बैठी अपनी सास अंजना के पास जाती है और उनको चिल्लाते हुए बोलती है, माँ जी देवरानी जी की हाय ले लो, उन्होंने आपको देने को कहा है, और हाँ डंडी से आपको मजा आएगा ये भी बोला है। वैसे मुझे समझ नहीं आया इसका मतलब, फिर भी जो उन्होंने बोला वो मैंने आपको बोल दिया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी बहू मुझे हाय दे रही है और तो और इस बैल बुद्धि के आगे कैसी अश्लील बातें बोल रही है मेरे बारे में। बुला तो जरा इसको। क्या माँ जी, सुला दूं? किसको? हे भगवान, ये कम सुनने वाली बहू के चलते किसी दिन मैं बहरी ना हो जाऊं। दिव्या बहू बाहर आई हो जरा। दिव्या अंजना की आवाज सुनकर बाहर जाने लगती है, तभी वो रसोई में चाय का कप वहीं पड़ा देखकर बोलती है, ये देखो जेठानी जी को बोला था चाय ले जाओ, यहीं छोड़ गई, इसलिए तो चिल्ला रही है माँ जी, मुझे ही लेकर जानी पड़ेगी। दिव्या हाथों में चाय का कप लेकर बाहर आती है और अपनी सास को चाय देते हुए बोलती है, माँ जी ये लीजिए चाय, आप इसलिए चिल्ला रही थी ना, वैसे मैंने दीदी को कहा था चाय ले जाओ पर शायद उन्होंने सुना नहीं। चाय नहीं सुना इसने, बाकी सब सुनकर आई है, मुझे आकर कहती है कि तूने मुझे हाय दी है। हे भगवान, माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। पहले मुझे लगा बोला होगा, लेकिन फिर मैं समझ गई कि तेरी इस जेठानी के कानपुर में हड़ताल है, इसी ने गलत सुना होगा। अच्छा ये सब छोड़, सामने पड़ोसन की बेटी की शादी है तो मैंने सोचा एक सूट दे देते हैं। हाँ माँ जी ठीक है, मैं जेठानी जी को पैसे दे देती हूँ ताकि वो सूट ले आए। दिव्या अलमारी से पैसे निकालकर कनिका को देती हुई बोलती है, दीदी इन पैसों से अच्छा सा सूट ले आओ और नाम लिखकर पड़ोसन के घर दे आना, समझ आ गया ना? हाँ हाँ, अब चिल्लाकर मेरे कान मत फाड़ो, वैसे ही मुझे कम सुनाई देता है। और बूट लाने हैं, कोई सूट नहीं जो इतना समझा रही हैं। कनिका मार्केट में जाकर बूट ले आती है और शाम को जब अंजना अपनी पड़ोसन के घर जाकर उसको शगुन का गिफ्ट देती है तो पड़ोसन उनके सामने ही उस गिफ्ट को खोल कर देखती है और उसने बूट देखकर पड़ोसन मुंह बनाने लगती है। तभी अंजना गिफ्ट में सूट की जगह बूट देखकर बोलती है, ये बूट थे इसमें, बहू मैंने तुझे सूट लाने को बोला था और तू बूट ले आई। सॉरी माँ जी, मैंने ये काम दीदी को दिया था और उसने गुड़ गोबर कर दिया, मैं तो तुम दोनों से परेशान हूँ, बेइज्जती करवा दी, घर चलो तुम। पड़ोसन के घर से वापस आकर अंजना अपनी दोनों बहुओं की अच्छी से क्लास लेती है और दिव्या अपनी कम सुनने वाली जेठानी की वजह से डांट सुनकर गुस्से से भनकती हुई कमरे में जाती है और वहाँ पिल्लों को फेंकते हुए गुस्से में बोलती है, हर बार जेठानी जी की वजह से मुझे भी सुनना पड़ता है, अब तक सही बोलती आई थी तब वो गलत सुनती थी, अब गलत बोलूंगी तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होंगी। अपनी जेठानी से बदला लेने के लिए अगली सुबह रसोई में दिव्या कनिका को बुलाकर बोलती है, जेठानी जी ये लीजिए गरम गरम पराठा और जाकर सासू माँ के मुंह पर माराओ। क्या कहा, सच में देवरानी जी यही करना है ना? हाँ हाँ जैसा बोला है वैसा करो। कनिका बाहर जाती है और अपने पति कुणाल और देवर रमन के सामने अपने दोनों हाथों को रगड़ कर गर्म करते हुए एक जोरदार चाटा अपनी सास की गाल पर मारकर बोलती है, हो गया देवरानी जी का दिया काम। भाभी ये क्या किया आपने, माँ को थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को थप्पड़ मारने की, कानों के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है क्या कनिका? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप सब मुझ पर चिल्ला रहे हैं? लग नहीं रहा, हम सच में चिल्ला ही रहे हैं। बताओ माँ को थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा माँ को क्यों मारा, वो देवरानी जी ने कहा था,
अब आप तो जानते ही हैं, मेरी कम सुनने की आदत की वजह से माँ जी ने कहा है कि जैसा देवरानी जी कहे वैसा ही करना, इसलिए मैंने वैसा ही किया। ये सब सुनकर रमन गुस्से में दिव्या को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है और उससे गुस्से में बोलता है, दिव्या तुमने भाभी को माँ को थप्पड़ मारने को कहा? हाय राम, पागल है क्या आप? मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी? मैंने तो दीदी को बोला था जाकर गरम गरम पराठा माँ जी को दे आओ। देखा, मैंने कहा था ना, देवरानी जी ने ही बोला था ऐसा करने को। कनिका की बात सुनकर अंजना समझ जाती है कि उसको ही सुनने में गलती हुई होगी, इसीलिए वो अपने बेटे रमन से बोलती है, बेटा रमन, दिव्या बहू ऐसा नहीं बोल सकती, कनिका बहू को ही सुनने में परेशानी हो गई होगी। दिव्या अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है और वहाँ जाकर जोर जोर से हंसती है, ये देखकर कि उसने अपने मन की करी और अपनी जेठानी से करवा भी ली और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन आज की घटना के बाद कनिका का पति उसके कम सुनने की वजह से हुई प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इसीलिए शाम को उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसके कानों की मशीन ले आता है। घर में ये बात सबको पता होती है कि कनिका के पास अब कानों की मशीन है, सिवाय दिव्या के, जो अब भी यही समझती है कि कनिका को कम सुनाई देता है। इसीलिए अगले दिन वो एक नए प्लान के साथ अपनी जेठानी को पास बुलाकर बोलती है, जेठानी जी, घर के सब लोग कहाँ हैं? सब लोग? वो तो छत पर हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, माँ जी भी, कुणाल जी भी और देवर जी भी। अच्छा, तो एक काम करिए, जाइए माँ जी को छत से धक्का दे दीजिए। क्या? पर क्यों देवरानी जी? जितना बोला है उतना करिए, जाइए माँ जी को छत से धक्का दे दीजिए। ये आप क्या बोल रही हैं? हे भगवान, ये जेठानी जी के चक्कर में तो मेरा गला ही खराब हो जाएगा। अरे बोला तो, माँ जी को धक्का दे आइए। दिव्या इस बात से अनजान थी कि कनिका को सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है और कनिका भी छत पर जाकर अपनी सास को धक्का देने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो बोलती है, माँ जी को बता दूँ क्या, देवरानी जी ने क्या कहा है? कहीं उनसे बोलने में गलती तो नहीं हुई? वैसे मैंने 2-3 बार पूछा उनसे। क्या हुआ बहू, अकेली क्या बड़बड़ा रही है, ज्यादा सुनाई देने लग गया क्या अब? वो माँ जी, देवरानी जी ने एक काम दिया है मुझे, वो ये कि आपको छत से धक्का दे दूँ। ये सुनकर रमन और कुणाल भी पतंग छोड़कर कनिका के पास आकर बोलते हैं, मशीन नहीं लगाई क्या तुमने? उसने कुछ और बोला होगा? नहीं जी, यही बोला दिव्या ने, मैंने 3-4 बार कंफर्म किया। बहू ऐसा क्यों कहेगी, अच्छा जा एक बार फिर पूछ क्या बोला था उसने, हम चुपके सुनते हैं। कनिका वापस से दिव्या के पास जाकर उसे बोलती है, देवरानी जी, आपने क्या काम बोला था, मैं भूल गई, एक बार दोबारा बोलना। हे भगवान, मन करता है आपके कानों में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं, किसी काम के नहीं है ये। मैंने बोला था जाओ माँ जी को छत से धक्का दे दो, अब सुनाई दिया या नहीं? धक्का दे दूं माँ जी को? क्यों? अरे वाह, आपको सब साफ साफ सुनाई दे रहा है, ये चमत्कार कैसे हुआ? दिव्या के इतना बोलने पर अंजना और दोनों भाई उसके सामने आते हैं और अंजना दिव्या के पास आकर बोलती है, क्योंकि उसके कान की मशीन आ गई है और वो सब साफ साफ सुन सकती है। तो बहू, इससे पहले कि मैं तुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊं, ये बता कि तूने जानबूझकर कनिका को धक्का मारने की बात कही? देख, झूठ मत बोलियो, हम सब ने सुना है। वो मामा जी बोलती हो या तुमको धक्का दूं छत से? वो पड़ोसन के घर से सूट की जगह बूट वाली गलती जेठानी जी ने ही की थी, लेकिन सासू माँ ने मुझे भी डांटा था, जबकि मैंने तो उनको सूट लाने को बोला था, फिर भी मुझे डांट पड़ी, तो मैंने सोच लिया अब उल्टा बोलकर इनको ही डांट पड़वाऊंगी। मतलब उस दिन थप्पड़ भी कनिका ने तेरे कहने पर मारा था? वो माँ जी, मैंने तो इनको कहा था कि गरम गरम पराठा आपके मुँह पर मारा है, लेकिन इनको चाटा सुनाई दिया। ये सुनकर रमन गुस्से में उस पर हाथ उठाते हुए दिव्या से बोलता है, मन तो कर रहा है तुमको एक खींच के चाटा मारूं। रुक जाओ रमन, तो दिव्या बहू, मिल गई कलेजे को ठंडक या धक्का मरवाऊं खुद को? माफ कर दो माँ जी, वो मैंने बचपने में ऐसा कर दिया, थोड़ा सा दिमाग घूम गया था मेरा, माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं माँ, इसको माफ मत करो, घर से निकाल दो। नहीं,
बहू मैं तुझे एक मौका देती हूँ, पर अब से तुझे अगले एक महीने तक कनिका की हर बात माननी पड़ेगी। उसका कहा सारा काम करना होगा, वो जैसा बोले वैसा। बेचारी दिव्या को अपनी सास का कहा मानना पड़ता है और जेठानी से बदला लेना अंत में उसी पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।